बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात। दुबई से शादी ऑनलाइन का एक और शो लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं। जी वेलकम बैक टू शादी ऑनलाइन। ब्रेक के बाद मिलते हैं अपने तीसरे कैंडिडेट से। हमारे आज के तीसरे कैंडिडेट का नाम है उस्मान मर्चेंट। पहले आपको दिखाते हैं उनकी जिंदगी के हवाले से बनाई छोटी सी वीडियो फिल्म और फिर उनसे मुलाकात। मेरा नाम उस्मान मर्चेंट है और मैं सुन्नी मुस्लिम गुजराती हूँ, इंडिया से हूँ और मैं तकरीबन 25 साल से दुबई में हूँ और मैं लोगों की शादियाँ करवाता हूँ। मैंने अहमदाबाद से बीए विद साइकोलॉजी किया और उसके बाद मुझे यहाँ दुबई पे आने का मौका मिला। मैं ये मैच मेकिंग की दुनिया में आया ऐसे हॉबी, और ये इतना अच्छा प्रोफेशन है, ये मेरा अभी प्रोफेशन बन गया। मुझे इतनी शोहरत, इतना फेम मिला, लोगों ने मुझे मर्चेंट ऑफ हार्ट कहा, मर्चेंट ऑफ दुबई कहा, मर्चेंट ऑफ वेडिंग कहा। मैं टीवी, रेडियो, मैगजीनों में आता गया, मुझे बहुत से प्रपोजल मिले, लेकिन मैं अपने क्लाइंट के साथ ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मैच मेकर हूँ। मुझे एक अच्छी सी मॉडरेट लड़की चाहिए जो मेरी बीवी बन सके और मेरे प्रोफेशन में भी मुझे मदद कर सके। कम से कम उसकी हाइट 5'4" 5'5" हो और ग्रेजुएट हो या फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से हो, कंजर्वेटिव नहीं। मुझे दिन में भी चाहिए और दुनिया में भी चाहिए। मैं तकरीबन महीने 8 से 10 हज़ार दिरहम का मेरी इनकम हो जाती है और वो सफिशियंट है मेरे गुजारे के लिए और आने वाली मेरी बीवी के लिए। मेरे घर में सब लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं और मेरे घर वाले माशाल्लाह सभी वेल सेटल हैं। मेरा ये जो मैच मेकिंग का सिलसिला है वो सुबह 9 से रात को 12 बजे तक चलता है और रोजाना मुझे अराउंड 70-80 कॉल्स आती हैं और मैं लोगों की फैमिलियों को मैं मीटिंग करवाता हूँ। मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं गजलें सुनता हूँ और मैं खुद नॉन स्मोकर हूँ। कपड़ों का शौक है, घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो मैं खुद खाना तो नहीं पकाता, न मुझे खाना पकाना आता है। तो मैं यहाँ बहुत ही अच्छी सी रेस्टोरेंट है इंडियन और पाकिस्तानी, वो खाने में खाता हूँ। मैं 9 साल से इंडिया नहीं गया हूँ, यही मेरा मुल्क है। मुझे दुबई बहुत अच्छा लगता है। आई फॉल इन लव 3 times क्योंकि मेरा प्यार 3 बार हुआ और तीनों बार मैं डिफरेंट रिलीजन की वजह से वो मैं कामयाब नहीं हो पाई। यानी वो मुख्तलिफ रिलीजन के वजह से उनके पेरेंट्स ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं किसी को जोर जबरन या फोर्सिबली कन्वर्ट करके मैं शादी नहीं कर सकता। उस्मान मर्चेंट, मैं आपको वेलकम करता हूँ शादी ऑनलाइन में और जरा सा खवातीन और हज़रात से मैं मुखातिब हूँगा। तो उस्मान मर्चेंट साहब जो है वो गल्फ के तनहा मैच मेकर हैं, यानी शादियाँ करवाते। इनके आर्टिकल मुतअद्दिद अखबारों में छपते रहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि किस्मत की खूबी कि खुद इनकी शादी नहीं हो सकती। चार तले अंधेरा। उस्मान साहब, हमारे यहाँ एक मकूला है, बल्कि 2 मकूले आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मल्लाह का हुक्का हमेशा खुश्क होता है और जो मोची होता है उसकी जूती हमेशा टूटी होती है। आप सबकी शादियां करवाते रहते हैं, तो आपकी शादी क्यों नहीं? देखिए, ये जो शादी का जो मसला है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही तय करता है और जोड़े आसमानों में बने होते हैं। शायद मेरा जोड़ा लेट होगा। लेट होगा? कितना लेट होगा? आपकी कितनी उम्र? अभी मेरी 45 एज है। आप तो बिल्कुल नौजवान है माशाल्लाह। बिल्कुल, लाइफ बिगिन आपका 42। जी जी।
तो मैं भी 42 के बाद ही शादी करना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 62 के बाद होती, क्योंकि मैं इतनी ठीक है सही आपकी, लेकिन लाइफ बिगिंस आपका 42। मैं चाहता था कि थोड़ा, मैं तो जल्दी चाहता था लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, कहीं मैच मेकिंग करवाते हुए कहीं दिल चाहा नहीं कि अगर नहीं होंगे? नहीं, ऐसा है करार साहब के जब मैं खुद मैच मेकिंग करता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट को मैं प्रपोज नहीं कर सकता, उसे मेरे को बहुत गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मैच मेकर को भी मैच मेकर की जरूरत होती है, जैसे एक डॉक्टर को भी एक डॉक्टर की जरूरत होती है, तो मुझे भी एक मैच मेकर की जरूरत थी। और मैं जियो टीवी में आज से एक साल पहले भी मैं आ चुका हूँ इधर कि भाई आप ये प्रोग्राम दुबई कब ला रहे हो, और मैं भी आना चाहता हूँ और मैं भी अपना किस्मत आजमाना चाहता हूँ। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ जी, और मैं सुन्नी मुस्लिम गुजराती हूँ जी। तो गुजराती लैंग्वेज की ही दोशीजा या दीदी आपको? नहीं, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं नॉन रेसिडेंट से मैं शादी करना चाहूंगा। जो लड़की इंडिया या पाकिस्तान से बाहर सेटल है, तो वैसे ही एजुकेटेड लड़की, वर्किंग लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं तो आप अपने एक सैलरी के कर सकते हैं, इसलिए मुझे वर्किंग वाइफ भी चाहिए। अच्छा, ये लड़की का जरा पैमाना जरा नीचे या ऊपर कर दे, क्योंकि आपकी उम्र माशाल्लाह 45 है। हाँ, 40 साल का खातून। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक लड़का कुंवारा है वहाँ तक वो लड़का ही कहलाता है, शादी के बाद उसमें फर्क आ सकता है। अच्छा, ये लगता है कि मैच मेकिंग में जब इस किस्म की गुफ्तगू करते होंगे तो लोग बहुत मुतासर मैं तो बहुत मुतासर हूँ। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हैं? मतलब कि अगर कोई इस किस्म का सूटेबल, बस ये है कि कोई गिव एंड टेक हो जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हेल्प कर देते हैं। नहीं, आपको नहीं मैं इंक्लूड कर रहा, मैं आपके लिए कह रही हूँ डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा जी, आपकी आपकी एज 42-45 बता रहे हैं? 45 तो लड़की की एज कितनी हो? जो भी हो, लड़की की देखिए तकरीबन 31 के ऊपर जो मेरे हिसाब से हो वो सही हो, चाहे वो सिंगल हो। 31 से लगा कि आप अराउंड 37। मर्जन साहब, आप जितनी गुफ्तगू करते हैं ना, दीदियां इतनी गुफ्तगू सुना नहीं करते। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर आपके मिसेस भी इतनी बोलने वाली नहीं तो डॉक्टर साहब फिर क्या बनेगा? ये चुप हो जाएंगे फिर? ये तो चुप हो जाएगा तो पूरा महिला सुनेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तैयार है मोहल्ले को सुनाने के लिए? तो इसमें तो एडजस्टमेंट हो ही जाता है, शादी के बाद जो होता है ना वो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सब कुछ नहीं मिलेगा। आपकी शादी नहीं, आप क्या बता रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आप रिजल्ट नहीं जाएगा जी। उस्मान मर्चेंट साहब ने हैरत अंगेज तौर पर देखिए, 68 हमारे वेबसाइट में ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरी उतरती हैं, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो सब आप में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ ये है कि कंपैटिबिलिटी के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स आपने दी हैं इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आलिया भी आपकी बहुत ही मशहूरी करेगी। जी बिल्कुल, मशहूरी मैं करने लगी हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आपकी नजरों के सामने उस्मान मर्चेंट का आईडी और हमारा वेबसाइट एड्रेस www.shadionline.tv, इसके थ्रू आप उस्मान मर्चेंट से राबता कर सकते हैं। इसको मिस मत होने दीजिएगा, फौरन लिख लीजिए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं।